जी सर आज पाकिस्तान में बाकी केसेस के अलावा हमारे शेख साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी साहब का केस भी मौजूद था जिसके ऊपर मैंने आर्गूमेंट्स किए हैं। जो हमारा मेन अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन था वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कंसल्टेशन के बगैर कोई मुअज्जज जज साहब को ये जिम्मेदारियां तफवीज नहीं की जा सकती। दूसरा, किसी भी जज के कंटेक्ट के मुताल्लिक अगर कोई मवाद या कोई इशू या कोई मैटर ऐसा हो जो जेर बहस लाना हो तो वो सिवाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किसी और फोरम पे ना तो बहस हो सकती है, ना उसको डिस्कशन में लाया जा सकता है, ना उसके मुताबिक कोई कमीशन बनाया जा सकता है। ये आर्टिकल 209 की खिलाफ वर्जी है, आइन के मुख्तलिफ प्रोविजंस की खिलाफ वर्जी है। और उसके साथ हमारा एक मुतालबा और था कि आर्टिकल 14 के तहत जो राइट है इंसान का, बुनियादी हक है, राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेट लाइफ, प्राइवेसी, वो मुतासर नहीं की जा सकती। और उसको मुतासर करना हो तो उसके लिए एक कानून मौजूद है 2013 का। उस कानून के मुताबिक जो शख्स दहशतगर्दी में मुलव्वस हो और वो सस्पेक्ट हो और वो जज की रजामंदी से वरंट ऑफ अरेस्ट कोई भी हमारे मुल्क की एजेंसी ले, तब जा करके उसकी सर्वेलेंस की जा सकती है और अदरवाइज नहीं की जा सकती। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले बेनजीर भुट्टो के केस में फैसला दे चुकी है, उसके बाद इश्तियाक मिर्जा के केस में फैसला दे चुकी है, उसके बाद काजी फाईसा साहब के केस में फैसला दे चुकी है और एक फैसला जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया है जस्टिस जावेद इकबाल के केस में। तो इस तरह का जो इलीगैलिटी ऑन द फेस ऑफ इट जो नज़र आ रही थी वो हमने हाईलाइट किए और ये आज़ाद अदलिया के तसव्वुर के मनाफी है। और अदलिया को अंडरमाइन करना, उनको जेर बहस लाना और उनके खिलाफ प्रोसीड करना, मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरीके से हम जुडिशरी को अटैक कर सकें। और एक बात सिर्फ मैं करके अपनी बात खत्म करूँगा कि ये उस वक्त शुरू हुआ कि जब 8 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी पहली पटिशन फाइल की थी, कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 1, कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए पंजाब और केपीके में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार तरफ से हमारे जो वकील साहब थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे हमें, वो मिस्टर आबिद जुबैरी साहब थे जो प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। फिर 16 तारीख 16/2 को दो मुअज्जज जज साहबान ने इस पर रिकमेंड किया कि इस पर सो वोटो नोटिस होना चाहिए और 16 तारीख को ही ये ऑडियो लीक्स होती हैं और 16 तारीख को ही उनमें से एक जज साहबान के बारे में ऑडियो लीक की जाती है, 16 तारीख को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब और इन ऑडियो लीक्स का वो सहारा लेते हैं। तो ये वो सारी इनलीगलिटीज थी जो हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर सब से उसको ख़राब करने और सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज करने और वकला को स्कैंडलाइज करने की नीयत से ये क्रिएट किया गया ये सारा का सारा ड्रामा रखा है। सर ये बताइएगा कि फैसला आज महफूज हुआ है, कब तक एक्सपेक्टेड है इसका सुनाया जाना? शॉर्ट ऑर्डर आज करेंगे, अभी जुमा के बाद किसी भी वक्त शॉर्ट ऑर्डर आ जाएगा। साहब अगर ये जो आप कह रहे हैं कि अगर ये वहाँ पे काला दिन करार दे दिया जाता है, इसको बस कहीं दे दिया जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि जो कमीशन बना है उसकी क्या हैसियत होगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफाई किया है, क्या
वो उसको सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार है कानून में कि उसको नोटिफाई को जो नोटिफिकेशन है उसको सस्पेंड कर सके? देखिए बिल्कुल अख्तियार है, कोई भी जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसको सुप्रीम कोर्ट इवन हाई कोर्ट भी सेटिसफाइड कर सकती है, और उसी को ही हमने चैलेंज किया है कि इनको ये अख्तियार नहीं है ये कमीशन बनाने का। अच्छा जुबैर साहब, आप इस केस के वो हैं, ये बताइएगा कि आप का एतराज़ है कि हुकूमत ने बेंच बना दिया, वो अदालत यानी कि उसके साथ रब्ता करते हैं, वो आप क्या कहते हैं इस ऐसी जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं या आई हैं या जो भी इसमें लोग जिनके नाम आ रहे हैं, क्या तहकीकात होनी चाहिए ताकि हकायक आम के सामने आए? इसमें देखिए मेरा ये नहीं है मुद्दा, मेरे जो बात मेन जो बात है ये ऑडियो लीक्स कर बना कौन रहा है, ऑडियो लीक्स कर कौन रहा है? देखिए ये तो बात की बात है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह ये बात की बात है, मेन मुद्दा जो है हमारा जो है कि जी पहले कौन, एक ट्विटर अकाउंट होता है, एक पता नहीं आदमी मास्क पहना हुआ है वो देता है उसको, उसके पीछे कौन है? यही जजमेंट्स हैं जो अभी शोएब शाहीन साहब ने हवाला दिया जजमेंट्स का, कि उसमें ये लिखा है कि आप पहले बताएं सोर्स क्या है, और फिर वो जजमेंट जज अरशद मलिक साहब के केस में जो जजमेंट आई उसमें उसका तरीक़ाकार दिया है कि अगर शहादत आपको लानी है तो उसका, लेकिन ये कर ही नहीं सकते कि आर्टिकल 14 ये टेप नहीं कर सकते और इस तरह से उनको रिलीज करके, कैमरा के भी इसमें बहुत बड़ा मैं कहता हूँ बहुत बड़ा फेलियर है और जुर्म है उनका कि वो इसको दिखाते हैं हाई कोर्ट के फैसले कि आप इस तरह से नहीं दिखा सकते, लेकिन हर इंसान के बारे में टेप करके और उसको कर लेते हैं, और उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है कि ये वो टेप सही है, ये भी तो मालूम करना है कि डॉक्टर्ड है और इसका क्या वो है, और सिर्फ जो इनका टारगेट किया जाता है उनके आते हैं, तो उससे पहले जो टेप थे उनके बारे में क्या हो रहा है, क्या सारी चीजें जो है ओरिजिन ही ठीक नहीं है, ओरिजिन मेरा जो केस है कि ओरिजिन ये जो टेपिंग है दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल, और जो इस तरह की टेपिंग करेगा वो फेयर ट्रायल एक्ट 2013 के मुताबिक वो मुजरिम होगा, 3 साल की सजा होगी, 3 साल की सजा होगी, और पीका ऑर्डिनेंस के तहत साहब का हवाला दिया गया है, और खुद अपने केस में खुद पेश हुए थे पार्टी को जी, उन्होंने ये प्ली ली थी कि मेरी जो सर्वेलेंस की गई, जज साहब ने कहा जज साहब ने कि वो सर्वेलेंस की गई और जो उनकी टेपिंग हुई गई वो गैर कानूनी और गैर, और जो सर्वेलेंस थी उनकी प्रॉपर्टी उसके बारे में वो गैर आई और गैर कानूनी थी, और ये कोर्ट ने इस बात को एडमिट किया, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूरा उस पर लिखा है, आज हमने हमारे वकील साहब ने कोर्ट में पढ़ के सुनाया, और उसके अंदर जो मेन बात ये की गई थी ये कुछ कानून है उसके तहत आप कर सकते हैं, उससे हाई कोर्ट के जज से आपको परमिशन लेनी होती है, और फिर एक पीका ऑर्डिनेंस भी है जिसके तहत जो इस तरह की टेपिंग करेगा अनलॉफली उसको सजा उसमें होगी उस लॉ के तहत, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने कोर्ट के सामने रखी। साहब इससे भी एक बड़ा मसला दरपेश है, एक बहुत बड़ी सियासी जमात को जो है वो आयर बंदे तोड़े जा रहे हैं, उसको डिसमेंटल किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से ना कोई स्मोक उठ आया ना कोई इस तरह की दिखाव, आप जैसे सर क्या हुकूमत बदनीयती से ये काम कर रही है या गैर दानिस्ता तौर पे उनसे ये काम हो रहा है? मैंने तो हमने अपनी ये ली है कि ये बदनीयती मैलाफाइड पे बदनीयती, मैलाफाइड इन फैक्ट एंड मैलाफाइड इन लॉ। सर इसमें एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो अटॉर्नी जनरल साहब ने भी इसके ऊपर कहा कि चीफ जस्टिस साहब की और या कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान हैं उनकी आर्डियोज भी आई हैं, तो क्या वो इसमें सुप्रीम कोर्ट पक्का है तो खुद एक पार्टी नहीं है? सर इस पर वो सुप्रीम कोर्ट चीफ साहब ने खुद उसका जवाब दे दिया, ट्राइकोटमी ऑफ पावर की बात की, आप मौजूद हैं आपने सुनी है बनाई, ये सर अच्छी ये उसमें उन्होंने खुद जवाब दे दिया।